के दिन यह देश गुलाम था, अंग्रेजों के साथ शासन चल रही थी। उस समय हमारे महापुरुष लोग उसमें लड़ रहे थे, हमारे जैसे आप जैसे बच्चों ने उसमें भाग लिए और सारी महिलाओं और बहनों और आपके महापुरुष जो बड़े बड़े स्कूल के छात्र थे उन्हीं लोगों ने इस देश को देखा कि मेरा देश गुलाम है। वो लोग ऐसे कर रहे हैं, अंग्रेज जो चाहता था वही करता था। छोटे बच्चों की उस समय हम लोग की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी उनके डर के मारे। देश में ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ जगह बनाते बनाते इतना वो लोग यहाँ फैल गए कि हम लोग को शासन चलाने लगे। तो हमारे छात्रों ने तुम्हारे जैसे स्कूलों में बड़े बड़े कॉलेजों में छात्रों ने संगठन किया। उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु और सुखदेव ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने को बलि चढ़ा दिया। और हमारे महात्मा गांधी उस समय अपना इस ये भी आंदोलन अपने तरह से कर रहे थे। इनका शांति मतलब शांति, हमको शांति चाहिए। इनका मांग था कि हमें शांति चाहिए, मैं खून खराबा नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग देख रहे थे कि जब तक हम बंदूक नहीं उठाएंगे हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा। तो सारे लोग फांसी पर झूल गए। तो इस तरह मैं किसी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी पढ़ कर और लिख कर और आप लोग महान बने और सक्षम बने हमारे देश के लिए। इसी में से कुछ सीएम बनेंगे हमारे देश के लिए, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई सिपाही बनेगा, कोई सीमा पर लेने के लिए महापुरुष बनेगा। आज हमारा देश भी गुलाम होने जा रहा है, ऐसे कि सारे लोग मतलब इधर उधर देश के मतलब दूसरे देश से जो आवाजाही नहीं थी वो खुल गया और बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए हमको अब स्वतंत्र रहना है। हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन आज में हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई पर न ध्यान देकर बेटा वो लोग क्या करते हैं गांव में घर में घूमने की ज्यादा इच्छा करते हैं। तो मैं उन लोग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ लिख कर अपने माँ बाप से आशा लगाकर आप लोग यही कहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा घर और हमारा जो सम्मान है उसको हमारे बेटे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात से मैं समाप्त करती हूँ। दे रही हूँ, अरे हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा।